शरीर नूं संपूर्ण पोषण देने दे लई, रोग प्रतिरोधक समर्था वधाउण दे लई, स्टैमिना ते स्ट्रेंथ वधाउण लई जे कोई एक फल है तो वह है खजूर। आओ इस बारे जानकारी लैंदे हां। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा पंजाबी आयुर्वेदिक रसोई दे विच। मैं हाँ डॉक्टर गगनप्रीत कौर। अज असी खजूर दे बारे विच गल करांगे जिहड़ी कि सानू छुआरियां दे रूप विच बहुत आम मिल जांदी है। आओ इस दी वरतों बारे पूरी जानकारी हासिल करिए ते एक स्वादिष्ट सवेर दा नाश्ता तैयार करिए। ताजी खजूर जिहड़ी हुंदी है ये तासीर विच ठंडी हुंदी है, पर ये सानू घट ही मिलती है। साडे कोल ज़्यादातर उपलब्ध हुंदा है छुआरा, जिहड़ा कि ड्राई डेट्स भी जिसनों असी कह दिंदे हाँ। तो ये ड्राई डेट्स जिहड़ी है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हुंदी है स्टैमिना वधाउण लई, इत्थों तक कि जिन्हां दा वेट गेन नहीं हो रहा उन्हां लई भी ये बहुत ही ज़्यादा चंगी चीज़ है। जिन्हां नूं बहुत ज़्यादा शरीरिक कमजोरी महसूस हुंदी है, थकान महसूस हुंदी है, उन्हां लई भी बहुत ज़्यादा वधिया है ते बच्चियां दी पूरी ग्रोथ दे लई खास तौर ते बहुत ही ज़्यादा चंगी चीज़ है। आओ गर्मियां विच इस दी वरतों किस तरह कर सकते हाँ उस दे बारे जानदे हाँ। अज दी रेसिपी असी मेवियां तो तैयार करनी है, इस करके खजूर दे नाल नाल कुछ होर ड्राई फ्रूट्स भी असी लवांगे। सब तो पहला मैं दो खजूरा लै रही हाँ या छुआरे लै रही हाँ। इस तो बाद असी दो जिहड़ियां गिरियां हन अखरोट दियां लईयां हन, गिण के असी चार बादाम लै रहे हाँ ते सौगी दे चार तो पांच दाने, वध तो वध छे दाने असी लै सकते हाँ। सारियां ही चीज़ां शरीर नूं पोषण देने दे लई बहुत ज़्यादा चंगियां हन, खास तौर पर जिन्हां पुरशां दे विच वीरज संबंधी समस्यावां हन उन्हां दे लई ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा वधिया है। पर गर्मी दी रुत्त विच असीं इन्हां नूं वरतन तो काफ़ी परहेज करते हाँ, पर जिन्हां नूं जरूरत हुंदी है उन्हां नूं वरतना पैंदा है। इस करके अज दा सारा तरीका गर्मी रुत्त अनुसार है। रेसिपी दी अगली खास समग्री है सौंफ। असीं एक चम्मच या अद्धे चम्मच दे लगभग जिहड़ा है सौंफ लै लेना है। ये मोटी सौंफ है जिहड़ी असीं मसालियां दे विच पाउंदे हाँ। इस दी तासीर ठंडी हुंदी है ते पेट लई भी बहुत ही ज़्यादा चंगी हुंदी है। इस तों इलावा असीं मिश्री लै रहे हाँ। मिश्री असी स्वाद अनुसार लैनी है, ताकत देने दे नाल नाल ये भी ठंडक दिंदी है। सौंफ ते मिश्री विच साफ पानी पा के असी पूरी रात भर इस नूं भे के रख देना है। जिस तरह कि मैं पूरी रात इन्हां नूं भे के रख दिता सी, मिश्री पूरी तरह पानी विच घुल गई है ते सौंफ जिहड़े हन ये भी फुल गए हन। सौंफ जिहड़े हन ये पेट लई ठंडे हुंदे हन। जिस तरह असी भे के इन्हां दी मिश्री दे विच वरतों कर रहे हाँ ये होर भी ज़्यादा ठंडक देने वाले हो जाते हैं। जिन्हां दे पेट दे विच दर्द रहिंदा है, ब्लोटिंग है, बर्निंग सेंसेशन हुंदी है, जिन्हां नूं बहुत ज़्यादा खून पैंदा है किसी भी तरीके शरीर दे विच्चों, उस तरह के लोगों के लिए इस तरह भिजे हुए सौंफ बहुत चंगे हैं। बिल्कुल इस तरह ही असी जिहड़े ड्राई फ्रूट्स ने इन्हां नूं भी चंगी तरह धो के रात भर भे के रख देना है। जिन्नियां भी सुक्कियां चीज़ां हन उन्हां विच थोड़ी बहुत गरमैश जरूर हुंदी है। इस करके गर्मी के मौसम विच खास ध्यान रखना है कि असी हर चीज़ की वरतों भे के करिए तां बहुत ही वधिया है, असी उहदा संपूर्ण फायदा लै सकते हाँ। हुण साडे कोल सारी समगरी तैयार है। असी एक ब्लेंडर जार लै लवांगे ते उस ब्लेंडर जार विच पहला सौंफ ते मिश्री वाला जिहड़ा पानी है उसनू पा देंगे, क्योंकि ये पानी जिहड़ा है असी साफ ही लैना है ते इसनू इसे तरीके असी ग्राइंड कर लेना है। जे तुसी सौंफ दा पूरी तरह पेस्ट बनाउणा चाहुंदे हो फिर उपरों उपरों सौंफ पा लो, पानी बाद विच पा लेना, क्योंकि पूरे पानी दे नाल जदों असी सौंफ नू रगड़दे हाँ तो ये बहुत चंगी तरह नहीं रगड़े जाणगे, कुछ मोटे पीसिस इन्हां दे रह जांदे हन। इस तो बाद जिहड़े असी ड्राई फ्रूट लए हन इन्हां दे विच्चों बाकी ड्राई फ्रूट्स तां असी इसे तरह ही ब्लेंडर दे विच पा देने हन। जिहड़े छुआरे हन इन्हां दे बीज असी कढ लवांगे ते बीज कढ के फिर इस दे अंदर शामिल कर देंगे, ते जिहड़े बादाम असी लए हन इन्हां दे जिहड़े छिलके हन ओह उतार के असी इहदे विच मिक्स कर देंगे ते सौगी नूं इसे तरह मिक्स कर देंगे। जिन्हां नूं ज़्यादा खंघ जुकाम बलगम रहिंदी है वह सौगी की जगह मुनक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुनक्का जदों असी वरतना है भे के वरतना है गर्मी विच ते उहदे बीज कढ देने हन, बीज कढ के उसकी वरतों करनी है। खजूर नूं हृदय भी कहा गया है, भाव कि यह हार्ट लई टॉनिक का काम करती है। शुक्रल कहा गया है, भाव कि शुक्र धातु का पोषण करती है, सीमन की क्वालिटी नूं ते क्वांटिटी नूं वधाउंदी है। ये बल्य है, बल्य तो भाव है स्ट्रेंथ वधाउंदी है ते इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक समर्था नूं भी वधाउंदी है।
जिन्हां दा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुंदा जांदा है और दिनों दिन उन्हां दा भार घटदा रहिंदा है, खून की कमी उन्हां दे विच नज़र आउंदी है, उन्हां लई खजूर की वरतों इस तरह पी के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इत्थों तक कि कुछ भैणां जिन्हां नूं माहवारी बहुत ज़्यादा हुंदी है, खून बहुत ज़्यादा पैंदा है, उन्हां नूं ल्यूकोरिया की भी शिकायत हुंदी है, तां उन्हां केसिस दे विच वी जे असीं भिज्जी हुई खजूर की वरतों करदे हाँ तां इह शरीर नूं ताकत दिंदी है ते उन्हां दे अंदर जिहड़ी कमज़ोरी आउंदी है, थकान, सुस्ती ते उन्हां दा वेट जिहड़ा है वह लगातार घट रहा है, उस दे विच उन्हां नूं बहुत ज़्यादा फायदा करती है। जिन्हां दा वेट ज़्यादा है ते तुसी कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते तो यह जिहड़ी रेसिपी है तुहाडे लई ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोषण देन वाली है। पर जिहड़े बहुत वधिया वर्कआउट करते ने, हैवी वर्कआउट करते ने, ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦੇ ਹੈਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। खजूर दे नाल नाल असी इस दे विच होर ड्राई फ्रूट्स भी पा रहे हाँ, तो यह मैमरी बूस्टर रैसिपी भी है। जे तुसी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला काम करते हो, दिमागी तौर पर थकान महसूस करते हो ते कदी कदी स्ट्रेस भी फील करते हो तो भी यह रैसिपी बहुत ही ज़्यादा चंगी है। जे असी छोटे बच्चों नू लैके देखिए तो साडा यही मकसद हुंदा है कि उन्हां दा दिमाग तेज रवे, वो एक्टिव रहन, उन्हां दा स्ट्रेंथ ते स्टैमिना चंगा होवे, तां उन्हां दे लई ये रैसिपी पूरी तरह वधिया है। उन्हां दा वेट गेन भी करेगी आइडियल जिन्ना सानू चाहिदा है, उन्हां नू अच्छा न्यूट्रिशन भी देगी ते माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक उन्हां दे जिहड़े हन सारे पूरे हो जाणगे। तो यह बहुत ही वधिया तरीका है ये ड्राई फ्रूट्स नू गर्मियां विच वरतन दा। हुण असी इस नू ब्लेंड कर लेना है। ग्राइंड करन तो बाद कुछ लोग इस तरह दे हन जिहड़े दुध दा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करदे, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੈਟ ਮਿਲਕ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਫ ਹੈ, ਸਾਈਨਸ ਹੈ, ਅਸਥਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਗਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਲਓ ਅਤੇ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲੱਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਮਾ ਜਾਂ ਕਫ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟ ਪਾਊਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਕਲੇਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਮਿਲਕ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਸਵੀਟਨਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।